my dear friends, and welcome back to Pixcare channel. In this video, you will learn how to create a beautiful CSS card. Before starting this video, please subscribe my channel and click the bell icon for latest updates. First of all, we need to understand a one tab that is called figure. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फिगर के बारे में फिगर टैग के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम ये फिगर टैग जो है अपने इस कोडिंग में यूज करेंगे. सो फिगर टैग स्पेसिफाई करता है कंटेन कंटेंट, यानी कि जो खुद अपना कंटेंट रखता है, जैसे कि इलस्ट्रेशंस, डायग्राम्स, फोटोज, कोड और लिस्टिंग्स. तो इन सब एलिमेंट्स को आपस में रखने से या इन सब कंटेंट को बताने का मेन मकसद जो है वो फिगर करता है. जब कंटेंट फिगर होल्ड कर रहा होता है तो इसकी अगर हम लोग फिगर को रिमूव भी कर देंगे तो ये इंडिपेंडेंटली काम करता है. इसकी वजह से डॉक्यूमेंट के फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. सो आइए हम लोग प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग आउटपुट देखेंगे कि ये एक CSS फ्लिप कार्ड है और हम इसे किस तरह से बनाएंगे. तो हम जाते हैं सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड या कोड एडिटर जो आप लोग यूज करते हैं. उसके बाद बॉडी में हम सबसे पहले एक कंटेनर की क्लास का डिव बना लेते हैं. इसके बाद हम लोग एक और डिव बनाएंगे और जिसको हम एक और क्लास देंगे कार्ड कंटेनर के नाम से. इस कार्ड के अंदर, कार्ड कंटेनर के अंदर हम लोग एक और डिव बनाएंगे. इस क्लास का नाम हम सिर्फ सिंपल एक कार्ड रख देंगे. इस कार्ड के अंदर फिर हम लोग ये कार्ड डेफिनेटली बनाएगा और कंटेनर जो है सारी स्टाइलिंग करेगा बैकग्राउंड पे या फिर कार्ड के बाहर. उसके बाद हम लोग एक फिगर टैग यूज करते हैं और इस फिगर के टैग के अंदर हम लोग एक हेडिंग वन यूज करूंगी मैं. और इस हेडिंग वन में मैं एक हेडिंग दूंगी HP लैपटॉप. उसके बाद मैं इसकी फीचर्स लिख दूंगी. फिलहाल तो हम इसको डमी टेक्स्ट भी डाल सकते हैं इसमें. सो न्यूएस्ट में आप कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं. न्यूएस्ट यू कैन ऐड व्हाटएवर यू वांट इन दिस पैराग्राफ टेक्स्ट एंड देन आई हैव टू क्रिएट अनदर फिगर फॉर द बैक. सो कार्ड विल बी अ टू साइड. आप देख सकते हैं कि इसमें कार्ड में दो साइड्स हैं, एक फ्रंट है और एक बैक है. तो हमें भी एक फ्रंट बनानी और बैक बनानी है. तो डेफिनेटली हम लोग जो है फिगर को क्लास देंगे फ्रंट की और इस फिगर क्लास देंगे बैक की. इसलिए मैंने दो फिगर की बनाए हैं टैग, इसको बैक दे दिया है. अब डेफिनेटली मैं यहाँ पे इसकी प्राइस लिखूंगी, प्राइस $400 एंड यहाँ पे मैं दूंगी बटन. इस बटन के अंदर मैं परचेज कर दूंगी या बाय कर दूंगी, बाय ऑनलाइन. ओके, हमने अभी एस्टिमेट का डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया है और इसके अंदर मैंने कोई भी एक्सटर्नल चीजें नहीं डाली. अब इसमें एक मैंने लिंक दिया हुआ स्टाइल शीट का. डेफिनेटली हमें एक स्टाइल शीट बनानी है जो इसको करेगा कम्प्लीट. अभी मैं इस चीज को रन करके दिखाती हूँ आपको. Opening default browser. You can see this text, this output. हम लोग अभी तक हमने ये चीज create कर ली है. अब हम लोग CSS की file create करते हैं. First of all, go to file and new file create and then इसको save करेंगे पहले. मैं save कर रही हूँ इसको. मैं दूंगी style sheet.css. Okay. अब इस स्टाइल शीट में सबसे पहले मैं कंटेनर की क्लास की स्टाइलिंग करूंगी. कंटेनर को फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम विड्थ देंगे जो कि होगी 100%. उसके बाद मैं दूंगी हाइट 100 वर्टिकल हाइट. उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स करें. उसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाइड कंटेंट भी सेंटर, ताकि सारी चीजें सेंटर में आ जाए. इसके आउटपुट देखते हैं.
ये देखें, ये आप सेंटर में आ गया कंटेंट हमारा। उसके बाद आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट कंटेनर की क्लास यूज करते हैं। इस क्लास के अंदर अब हम स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले इधर भी हम लोग विड्थ देंगे तो 200 पिक्सल्स होगी। उसके बाद हाइट देंगे 300 पिक्सल्स की। इस पार्ट कंटेनर के बाद इस कार्ड कंटेनर को होवर देंगे हम लोग, कि जब कार्ड कंटेनर होवर करे या माउस लेके जाएं, देन वो ट्रांसफॉर्म करे रोटेट वाई की साइड पे। पर एंगल अब रोटेट जब हम देते हैं तो यहाँ पे हम अंदर प्रॉपर्टीज में डिग्रीज देते हैं, तो डेफिनेटली मैं इसको 180 डिग्री दूंगी, ईजी डिग्री। नाउ रन दिस प्रोग्राम। Here you will get. Hover करने से आपको changes का पता चल गया है। अब हम जाते हैं card के attribute, card की styling करते हैं। Card first of all, इसको भी हम लोगों ने पहले width देनी है 100%, height भी 100%। इसके बाद हम लोग देंगे transition रोटेट वाई, रोटेट करेंगे वाई, और इसको एंगल डिग्री देंगे हम सिर्फ 45 डिग्री, और इसको कर देंगे सेव। कार्ड के अलावा यहाँ पे कार्ड कंटेनर होवर पे और दोनों कार्ड पे भी ये ट्रांसफॉर्म करे। इसके बाद जब कार्ड पे होवर की होवर करे तो ट्रांसफॉर्म दैट वाई 45 डिग्री। इसके बाद अब हम लोग कार्ड के अंदर फिगर के अंदर जो दो क्लासेस बैक और फ्रंट की कॉल की है उसको मैं कॉल करूंगी। पहले मैं फ्रंट की कॉल करूंगी और इस फ्रंट के अंदर बैकग्राउंड कलर कलर ब्लैक के अलावा एक और कार्ड के बैक की क्लास कॉल करूंगी सी के बैक। इसको दे दूंगी बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू और कलर दे दूंगी वाइट। कार्ड बैक पे मैं ट्रांसफॉर्म दे दूंगी रोटेट का 180 डिग्री। अब हम करेंगे ये जो सारा फिगर की क्लास कॉल हुई है इस फिगर पे स्टाइलिंग। डॉट फिगर पहले डॉट कार्ड एंड देन फिगर, क्योंकि फिगर एक टैग है। इस फिगर की स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले इधर भी विड्थ 100%, देन हाइट 100%, पोजीशन एब्सोल्यूट, मार्जिन 0, बॉर्डर रेडियस 5 pixels, display flex, justify content center, line items center,
फ्लेक्स डायरेक्शन भी दूंगी मैं, और वो होगा कॉलम। ये देखें, अब बटन पे थोड़ा स्टाइलिंग कर देते हैं। टोट बैक, बैक पे है क्योंकि बटन, और फिर बटन का टैग। अब इस बटन के टैग में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बैकग्राउंड कलर फर्स्ट ऑफ ऑल बटन को मैं कलर देना चाहूंगी लाइट ब्लू या सियान बॉर्डर नन कर दूंगी। पैडिंग दूंगी 10 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स। सो हियर अब तक के लिए इतना ही, और आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, और अगर इसमें कोई गलती होगी हो तो वो भी माफ कर दीजिएगा काइंडली, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके काइंडली। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब का बटन क्लिक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज पता चलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।